हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जैन एंड वेज रेसिपीज़ कुकिंग विद पिंकी में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है मालपुआ। ये राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश है और स्पेशली इसे हरियाली माउस पे बनाया जाता है। आज हमने यहाँ पर रबड़ी के मालपुए बनाए हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रबड़ी या फिर दूध के मालपुए बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 1 लीटर दूध लिया है। हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। हमें इसे एकदम आधा रह जाए तब तक बॉईल करना है। आप चाहें तो नॉर्मल दूध से भी इसे बना सकते हैं, 1-2 बॉईल आए दूध में और उसमें भी, पर अगर हमें रबड़ी वाला बनाना है तो दूध को हम थोड़ा अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखिए दूध को आधा रहने तक बॉईल कर लिया है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और दूध को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। दूध हमारा ठंडा हो गया है, अभी हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा डालने से पहले हम एक छोटा कटोरी दूध अलग निकाल लेंगे। हम इसमें लगभग 1 बाउल मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें एकदम अच्छे से मिक्स करना है। इसके बैटर में कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अगर लम्स हो जाता है तो हम इसको ये देखिए इस तरह से छान लेंगे ताकि हमारा बैटर एकदम स्मूथ रहे। ये देखिए ये बैटर हमने अच्छे से छान लिया है। ये देखिए ये थोड़ा सा हमें गाढ़ा लग रहा है। अभी जो हमारा बचा हुआ दूध था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये बैटर हमारा तैयार है और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अभी हम बैटर को लगभग 1-2 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ एक फ्लैट पैन में हमने घी लिया है। मालपुए बनाने के लिए हमें फ्लैट पैन ही चाहिए, उसमें ही मालपुए अच्छे से बनते हैं। घी हमारा गर्म होता है तब तक हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमने लगभग 1 कटोरी शक्कर ली है और उसमें 1 कटोरी हमने पानी डाला है। अभी हम इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। हम इसमें थोड़ी सी केसर डाल देंगे, आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए शक्कर हमारी एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है। हमें इसे 1-2 बार बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा कड़क चाशनी हमें नहीं चाहिए। ये देखिए ये हमारी चाशनी तैयार है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम मालपुआ बनाते हैं। जो हमने घी गर्म रखा था वो देखिए घी अच्छे से गर्म हो गया है और हमें 1-1 चम्मच का बैटर डालना है। थोड़ा सा ऊपर से डालना है ताकि ये इस तरह से फैल जाए। ये देखिए मालपुए में एकदम अच्छे से जाली पड़ गई है, इसका मतलब हमारा मालपुआ अच्छा बना है। अगर आपके ऐसे जाली नहीं हो तो आप बैटर को थोड़ा सा दूध डाल के पतला कर सकते हैं। अभी हम इनको दोनों साइड से पलट कर अच्छे से हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी जो हमारा बचा हुआ बैटर है उसके भी हम इसी तरह से मालपुए बना लेंगे। अगर कोई गेस्ट आ रहे हो तो आप इस तरह से मालपुओं को पहले फ्राई करके रख सकते हैं और फिर इनको गरम चाशनी में डालकर सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये मालपुआ हमारा एकदम अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी जो हमने चाशनी बनाई थी ये मालपुआ हम उस चाशनी में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से चाशनी में एक बार डिप कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा देर इसमें नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे मालपुए को चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए ये हमने फीके मालपुए निकाल कर रख दिए हैं। अभी हमें जब भी इन्हें सर्व करना हो हम इसे गर्म चाशनी में डालकर सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म मालपुए तैयार है। इसे आप खीर के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। गर्मा गर्म रबड़ी के मालपुए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं
कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।